तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हाँ इसे गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा डिले हो गया। आज एक्चुअली काफी सारी क्लासेस कंडक्ट हो रही थी, तो उन क्लासेस के चक्कर में थोड़ा सा आज डिले हो गया। हाँ उपांग जी पहले से बेटर है। सुबह मॉर्निंग में काफी थोड़ा तेज फीवर हो गया था, इस वजह से आज मॉर्निंग की क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी। बट कल मॉर्निंग की क्लास अपनी हो गई, ठीक है। वही अपना 6 to 7, 7 to 8 वाला जो क्लासेस का शेड्यूल है वो मॉर्निंग में चलता रहेगा। चलिए सर, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग योर टाइम, पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं, देखें कितने क्वेश्चन आपको याद हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द बोल्ट्समैन मेडल? बताइए सर। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द बोल्ट्समैन मेडल? पी आरुमुगम, दीपक धर, मनोजित बैग और हिमांशु फुलारा। ओके बढ़िया। साजन नातुंग, काफी टाइम बाद देख रहे हैं आप। करेक्ट आंसर इज दीपक दार। इसका आंसर दीजिए। विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड टू हेल एंड बैक? टू हेल एंड बैक, बताइए सर। किस ऑथर की बुक है? बढ़िया सर, करेक्ट आंसर इज बरखा दत्त। ओके सर, इसका आंसर क्या होगा? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च डोनेट अ पेंशन कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? ठीक है, श्रम से मैंने क्या कहा था? लेबर, ठीक है, श्रम बोले तो लेबर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्कीम, डोनेट अ पेंशन, कौन सी मिनिस्ट्री है सर इसकी? बिल्कुल सर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा कितने लोग हैं जो पिछले क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं वो एक बार लाइक करें, ठीक है। कितने लोग हैं जो पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लो मार्च का चल रहा है, तो आपको साथ ही साथ फरवरी का रिवाइज करते हुए चलना है। फरवरी तक का पीडीएफ आपको दे दिया गया है। अच्छा इस वीक एक ब्लंडर ये हो गया था, मैंने फरवरी के नाम से टेस्ट लिया था, बट वो हुआ क्या, वो क्वेश्चन धोखे से मार्च के चले गए, तो आप लोग मार्च के दे गए क्वेश्चन। लेकिन बढ़िया लगा, मार्च के भी लोगों को याद है। तो इस बार जो करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा वो फेब्रवरी का होगा, ठीक है। तो अब ये वाला मार्च का, आप मान लो आप पिछले वीक जो हुआ था, इस वीक जो होगा वो फेब्रवरी का होगा, ठीक है। तो फेब्रवरी वाला अब आपको एक मौका और मिला है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। इस वीक संडे को टेस्ट दे अपन करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए सर, ठीक है। तो श्रम योगी मानधन योजना स्कीम कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 40 क्वेश्चन आई थिंक कर चुके थे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 37, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में हमने कौन सा सुपर कंप्यूटर लगाया है? दिस सुपर कंप्यूटर हैज बीन डेप्लॉयड एट आईआईटी रुड़की? परम गंगा, परम यमुना, परम कावेरी, परम सरस्वती, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा?
ओके सर, करेक्ट आंसर इज पारंगंगा। चलिए जी, तो ये 38 भी डिस्कस कर लिया था, ये मैसेकर, पल दादवो, किलिंग्स हमने देखा था, ये कहाँ पर है, इसका आंसर हमने देखा था क्या है, गुजरात है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करना है, ये नूर टू तक हो गया था, तो ये रहा आज का आपका पहला, नहीं 40 तक हो गया था, 40 हो गया था, 41 से स्टार्ट करना है। तो ये रहा सर आज का आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या है, फिजिकली सामने जाके नहीं मिले, गूगल मीट वगैरह पे मीटिंग कर ली, तो होस्ट किसने करा था, एक G7 ग्रुप का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का मीटिंग है। देखो ग्रुपिंग अपनी बहुत सारी है, जैसे ब्रिक्स है, आसियान है, नेटो है, G20 है, इसी तरह से G7 है। G7 को बहुत ही एलीट क्लास की ग्रुपिंग माना जाता है, मतलब दुनिया के जितने भी सबसे ज्यादा कायदे के डेवलप्ड नेशंस हैं वो सब इसी ग्रुप में है, मतलब दुनिया की कहते हैं कि जो एलीट वर्ल्ड एलीट कंट्रीज है उन्होंने अपने आप को इस ग्रुप में डाल रखा है G7, बाकी किसी को एंट्री नहीं देते। रशिया को दिया था, G8 बना दिया था, लेकिन रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक करके क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था 2012 में, तो उसके बाद रशिया को G8 से निकाल दिया था, तो वापस से वो G7 बन गया था। तो G7 में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है अभी, तो किस कंट्री ने होस्ट किया, ये आपका क्वेश्चन है। देखो जितनी भी आपकी ये ग्रुपिंग्स होती है ना, G7 हो गया, G20 हो गया, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसे ही करंट अफेयर्स में आता है मैं इसको जरूर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए सर, तो जर्मनी आंसर बताया जा रहा है, क्या आंसर होगा, बिल्कुल जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। तो इससे ये चेक करने का क्या चाहते हैं, G7 कंट्रीज चेक करना चाहते हैं कि देखो रशिया और यूक्रेन पे चल रहा है वॉर, तो उससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी का मतलब है फूड अवेलेबिलिटी, कि ग्लोबली फूड आपके पास कितना अवेलेबल है, कहीं ऐसा तो नहीं लोग भूखे मरे हैं फूड की वजह से, क्योंकि तो ऑब्वियसली बात है यूक्रेन के जो किसान हैं उनको दिक्कत आ रही होगी अनाज उगाने में, रशिया में भी कुछ रिपरकशन चल रहे होंगे, तो ये तो चलो सर न्यूज की बात हो गई, होस्ट करा जर्मनी ने। अब जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात क्या है, G7 ग्रुप ऑफ सेवन ये है क्या, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कब बना था, 1975 में बना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी ग्रुपिंग पढ़ो ना तो दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहली चीज होती है मेंबर्स, उस ग्रुप में मेंबर्स कौन कौन कंट्रीज हैं, और दूसरा होता है हेडक्वार्टर। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं होते हैं, तो ये सब लोग मिलके कहीं भी डिसीजन लेते हैं, इनका कोई भी फिक्स हेडक्वार्टर या कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज नहीं है। ठीक है, तो G7 कंट्रीज में आपका कौन कौन आता है, तो देखो मैप के थ्रू मैंने इसमें प्लॉट कर रखे, ये वाली नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका में कौन हो गया आपका, कैनेडा हो गया, US हो गया, फिर इधर यूरोप की कंट्रीज है, फिर इधर अपना जापान है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की दो और जापान एशिया की तरफ से तीन, तीन कंट्री तो ये हो गई, चार आपकी यूरोप से, और यूरोप में एलीट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक तो यही होगी जर्मनी जिसने होस्ट किया, चलो सर जर्मनी हो गई। अब जर्मनी हो गई तो फ्रांस और इटली कैसे आप भूल सकते हो, ठीक है फ्रांस और इटली भी ऐड कर दो, तो और भैया जो सबसे ज्यादा कॉलोनाइजेशन में एक्सपर्ट रहे यूनाइटेड किंगडम, उनको तो अपन नहीं भूल सकते, तो ये क्या है, ये चार बहुत ही एलीट क्लास की कंट्रीज हैं यूरोप की, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, तो ये चार कंट्रीज, एक हो गया जापान, वो हो गया फाइव, एंड देन कनाडा, देन यूएसए, तो हो गई सेवन कंट्रीज इन G7। एक बार मेरे को कमेंट करके लगातार एक साथ आप तो क्या करो सारे सेवन कंट्रीज के नाम लिख के दिखाओ। हाँ जी कमेंट में सब लिख के दिखाओ, यही के यही याद करके जाना है। हाँ उपांगी भाई मैं बता रहा हूँ ना कि इस बार एक ब्लंडर यही हो गया, मैंने फरवरी की जगह मार्च के क्वेश्चन दे दिए थे बोर्ड टेस्ट के लिए, तो उसके लिए वेरी सॉरी, अब की बार आपको फरवरी का ही मिलेगा, लेकिन बढ़िया आपके लिए डबल रिवीजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग स्कोर कर गए, ये अच्छी बात थी कुछ लोग। बिल्कुल जेनो जेना गोलो ने लिखा है, बाकी लोग भी लिख के बताएंगे, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, कनाडा, जापान, इंडिया, ना ना इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है, यूएसए लिखना था आपको, इंडिया नहीं है, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है।
G7 में नॉर्थ अमेरिका अगर उठा लो तो नॉर्थ अमेरिका से आपका यूएस कनाडा है। इसकी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, वर्ल्ड मैप की और अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा। ऐसी जैसे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप की भी क्लास रख किया करेंगे। यूरोप की बात करें तो वही अपना सर फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, और एशिया में अपना कौन सा आ जाता है, जापान। तो सर ये सारी, ये कौन सी कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज है, ठीक है। ये सर सारी कौन सी कंट्रीज हैं, ये आपकी G7 कंट्रीज है। बहुत बढ़िया बढ़िया, उम्दा, A1। ऑल राइट सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, साइनिंग ए होस्ट कंट्री एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO विल इनेबल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच सिटी ऑफ गुजरात। देखो, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO एक पार्टनरशिप साइन कर रहे हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिससे WHO का ग्लोबल सेंटर बनेगा, किसके लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन सी हो गई, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, ठीक है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें, जैसे आपका मान लो डायबिटीज है, डायबिटीज का अगर आप एलोपैथी में जाओगे तो इसका इलाज पॉसिबल नहीं है अभी। बस इंसुलिन बस उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट एलोपैथी हमें नहीं देता इसका, बट आयुर्वेदिक क्लेम करता है कि डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को आजमाने के लिए कि आयुर्वेदिक से भी और ज्यादा फॉर्मूले बनाए जा सके ताकि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एलोपैथी के अलावा दूसरे अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए ग्लोबल सेंटर बन रहा है, तो वो किस शहर में बन रहा है, ओके, तो राजकोट, जामनगर, ठीक है सर। दो ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को, जामनगर दिख रहा है, राजकोट दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहे, बाकी बताइए। चलिए सर, करेक्ट आंसर इज जामनगर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज जामनगर। ठीक है, तो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन करा है टू एस्टैब्लिश WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। ओलंपिक चैंपियन मोंडो डुप्लांटिस ब्रोक इज रिकॉर्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग इन बेलग्रेड। ही इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, बताइए। ओलंपिक चैंपियन है मोंडो डुप्लांटिस, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करा है इन द वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड इंडोर टू सिल्वर मीटिंग इन बेलग्रेड। तो वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। देखो, मैंने पहले भी कहा था इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मतलब आपको पर्सनालिटी दे देंगे और कुछ नहीं पूछेंगे कि कौन सा इवेंट जीता, क्या करा, कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेंगे भाई ये पर्सनैलिटी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये सवाल तो बनना भी चाहिए। अगर हम लोग बेसिक अवेयरनेस रखते हैं तो एटलीस्ट हम ये ना बता पाए कि ये पर्सन ने कौन सा अवार्ड जीता है, बट नाम से हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, बताइए। स्पोर्ट्स के आंसर गलत नहीं होते, स्पोर्ट्स में तो सर आंसर यूनानिमस आता है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज पोल वॉल्ट, ठीक है, कौन सा स्पोर्ट है, पोल वॉल्ट है। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हैज रिसेंटली बैंड एथलीट्स फ्रॉम विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द बीजिंग 2022 विंटर पैरालंपिक्स। देखो, जैसे ओलंपिक्स होते हैं इसी तरह से पैरालंपिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए क्या होता है, पैरालंपिक्स ऑर्गेनाइज होता है, उन्हें पैरा एथलीट्स हो गए, ठीक है, इस तरह से पैरा स्पोर्ट्स पर्सन कह लो उन्हें। विंटर पैरालंपिक्स आपका होने वाला है बीजिंग में 2022 में, तो इसको कराने वाली जो कमेटी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, उसने अभी कुछ एथलीट्स को बैन करा है, दो कंट्रीज के एथलीट्स को बैन करा है। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आप बता पाओगे ये दो कंट्रीज कौन सी होंगी। रशिया तो है सर, देखो क्वेश्चन बनाने वाला भी जानता है कि रशिया तो सब लगाएंगे, ठीक है, तो रशिया तो है, लेकिन हमारे क्या नॉर्थ कोरिया ज्यादा बुरा लगता है तो हमने नॉर्थ कोरिया लगा दिया। एक्चुअली नॉर्थ कोरिया नहीं है, अभी अगर आप देखोगे रशिया को क्यों बैन किया है, रशिया को इसलिए बैन किया क्योंकि रशिया ने क्या है, यूक्रेन पे अटैक किया है,
अब यूक्रेन पे अटैक किया तो इसको इसलिए रशिया को बैन कर दिया। लेकिन बात ये भी तो है कि रशिया को सपोर्ट किससे मिला? रशिया डायरेक्ट अपनी आर्मी लेके यूक्रेन में नहीं एंटर किया था, रशिया जो एंटर किया था वो बेलारूस से एंटर किया था। ठीक है, रशियन आर्मी अगर यूक्रेन में एंटर करी थी तो बेलारूस से एंटर करी थी। तो बेलारूस इज अ वेरी क्लोज अलाई ऑफ रशिया, तो रशिया को बहुत सपोर्ट मिला, बहुत मदद मिलती है बेलारूस से, तो इस वजह से बेलारूस को भी बैन कर दिया गया। ठीक है, तो रशिया एंड बेलारूस आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, बोथ आर डेंजरस कंट्री। चलिए सर, ठीक है, रशिया एंड बेलारूस। ऑल राइट सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इंडिया फर्स्ट 100% वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क बिगिन ऑपरेशन इन विच सिटी? जयपुर, अमृतसर, हैदराबाद, पुणे। किम जोंग बच गया, लेकिन वो एथलीट्स नहीं बचेंगे। इस तरह की भी बहुत खबरें आती कि जो एथलीट हार के आता है नॉर्थ कोरिया में, के साथ फिर अच्छा ही व्यवहार होता है। इंडिया फर्स्ट 100% वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क। हाँ जी सर, इसका आंसर बताइए। देखिए, ये सारे स्टेप्स आपके किसके लिए? वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, विद वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, मतलब एक पूरा एरिया बना दिया गया जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, और वो इंडस्ट्रीज कैसी होंगी? 100% वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रीज होंगी। मतलब 10% का भी शेयर किसी आदमी को, किसी मैन को नहीं दिया जाएगा। 100% वीमेन ओन्ड इंडस्ट्रीज होंगी, तो उनका ऑपरेशन आप कहाँ स्टार्ट हो चुका है? करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद किस स्टेट की कैपिटल है? लेट मी चेक, हैदराबाद किस स्टेट की कैपिटल है? इसको कौन प्रमोट कर रहा है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO। देखो, फिक्की हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, तो फिक्की इंडिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक ग्रुपिंग है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनकी ग्रुपिंग है। तो सबसे पुरानी फिक्की है ना, करीब बन गई थी ये आपका 1927 में। ठीक है, ये सब वही सोशलिज्म जब राइज हो रहा था ना, तो उसको काउंटर करने के लिए बन रही थी, क्योंकि इस टाइम आपका जो कैपिटलिज्म है थोड़ा सा डाउन हो रहा था 1927 के आसपास। तो फिक्की क्या है? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक तरीके से कैपिटलिज्म का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ रही थी। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, 25 यूनिट। तो बढ़िया, तो हैदराबाद मैंने पूछा किसकी कैपिटल है, बढ़िया। नहीं सर, आंध्र प्रदेश की नहीं है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल एक्चुअली अभी खुद कंफ्यूजन में है, क्योंकि जो अभी के सीएम थे वो चाहते थे 3 कैपिटल। इससे अभी जो आंध्र प्रदेश में जो पहले सीएम थे आपके चंद्र बाबू नायडू, वो कैपिटल उन्होंने बनाना चाही थी अमरावती। ठीक है, उन्होंने कहा था अमरावती को हम कैपिटल रखेंगे, उसी हिसाब से अमरावती को बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप किया जा रहा था। लेकिन अभी जो सीएम है आपके जगन मोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 3 कैपिटल्स का प्रपोजल लेके आए। उस पर काफी बवाल हुआ, काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, काफी वो डिबेट में रहा। तो अभी फाइनली उन्होंने 3 प्रपोजल का जो बिल है वो रोल आउट कर दिया, मतलब वापस ले लिया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जो फार्मर बिल था वो वापस लिया गया था, किसानों के लिए जो बिल आए थे ना प्रधानमंत्री ने क्या करा था, उन्हें वापस लिया था ना। उसी दौरान यही आंध्र प्रदेश में भी हुआ था, उस टाइम आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी वो बिल वापस ले लिया। तो अभी एग्जैक्टली कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की, वो आप बहुत क्लियरली नहीं कह सकते, तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी डेज वर रिलीज बाई शरद पवार रिसेंटली? शरद पवार इज अ पॉलिटिशियन ऑफ महाराष्ट्र, एनसीपी के लीडर है वो, एनसीपी के चीफ, एनसीपी पार्टी के।
तो उन्होंने एक किताब रिलीज करी जो ऑटोबायोग्राफी है एक पर्सनालिटी, इन पर्सनालिटी का नाम पूछ रहा है। किताब का नाम है ऑन बोर्ड माय ईयर्स इन बीसीसीआई। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काफी काम किया बीसीसीआई के। हाँ, फिक्की के चेयरमैन उदय शंकर हैं। बिल्कुल, बाकी लोग क्या आंसर लगाएंगे? रतनकर। बाकी लोगों का क्या जवाब है? अच्छा, जो लोग नए हैं जिनकी पहली क्लास हो उनको मैं बता दूं, हमारा टीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हमारे पास जीके के लिए अवेलेबल है क्लासेस, इंग्लिश के लिए अवेलेबल है, और मेन सब्जेक्ट में हमारे पास हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स। फिलहाल ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी अभी आज पहली डेमो क्लास हुई थी। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके हम लोगों ने पब्लिश कर दिए हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये चार सब्जेक्ट अपने ऐसे, और जीके प्लस इंग्लिश का भी कोर्स अवेलेबल है। तो अगर कोई टीजीटी पीजीटी का कंबाइंड कोर्स परचेज करना चाहता है, तो अगर आप मान लो कोई एक मेन सब्जेक्ट लेते हो, जीके लेते हो, इंग्लिश लेते हो, तो इसका टोटल प्राइस आपको मिलेगा 9,000। ठीक है, टोटल प्राइस इसका 9,000 रुपया है जो आप परचेज कर सकते। चलिए सर, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के ऑथर कौन है? बिल्कुल, रत्नाकर शेट्टी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? रत्नाकर शेट्टी। एडमिनिस्ट्रेटर में रोल था, ऐसा नहीं कि वो प्लेयर थे। ठीक है, फॉर्मर प्रेसिडेंट एमसीए के, बीसीसीआई के और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के भी फॉर्मर प्रेसिडेंट तो रह चुके। ठीक है, तो ये रत्नाकर शेट्टी के बारे में बात होगी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टैली एट द ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन कायरो? कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। कायरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो वर्ल्ड कप 2022 किसका था? ISSF, किसने जीता है? हाँ जी सर, बायोलॉजी का भी क्लास देखिए हम जल्दी स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी भी जल्दी स्टार्ट होगा, आपको परेशान मत होइए। विच कंट्री स्टूड फर्स्ट इन द मेडिकल टैली एट ISSF वर्ल्ड कप 2022? हाँ जी, आंसर बताइए। ज्योग्राफी भी करवाया जाएगा। ये सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन किए ना, ये वो सब्जेक्ट है जिनके लिए स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बाकी बायोलॉजी और ज्योग्राफी भी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इसके लिए भी अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्या है ना, अभी वन बाय वन हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स। तो अभी पहले हिस्ट्री करा, फिर अभी पॉलिटिकल साइंस हो गया, धीरे धीरे फिजिक्स, देन मैथ्स, देन ये सब्जेक्ट्स भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो बात किसकी निकली थी? तो सर बात निकली थी आपका ISSF वर्ल्ड कप की। ISSF बोले तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो सर बिल्कुल, किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। सेकंड पे कौन आया? नॉर्वे आया। थर्ड पे कौन आया? फ्रांस आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है? इंडिया को मिला है। तो ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल किसको मिला है? इंडिया को मिला है। चार गोल्ड मिले हैं, दो सिल्वर मिले हैं, एक ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, तो हमने बढ़िया खेल खेला है। मेरे पास जो जानकारी है 4 है, एक बार मेजर आप कंफर्म कर लेना, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल विच बिगेन इन न्यू दिल्ली वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री अलोंग विद लोकसभा? थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ठीक है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल
which began in New Delhi was organized by which ministry along with Lok Sabha? Ministry of Parliament, Culture, Youth Affairs or Yes. सर इसमें तो यूथ पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो ये जरूर यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री कर रही होगी। हाँ इसी को हम कहते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। ठीक है, सही ऑलराइट। देखिए अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। देखो क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? मैं पहले भी कह चुका हूँ इस चीज को लेके कि क्वेश्चन जो होते हैं ना अल्टीमेटली एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आप कितना ही थ्योरी पढ़ लो, कितना ही थ्योरी पढ़ लो, बट एग्जाम में आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, वहां क्वेश्चंस टिक करवाए जाएंगे। तो उसकी भी एक हैबिट होती है, उसकी भी एक तरीके होते हैं, उसका भी एक एप्टीट्यूड होता है। वो आपका तभी डेवलप होगा जब आपने रियल लाइफ में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे। तो इसीलिए मैं करंट अफेयर्स क्विज फॉर्म में कराता हूँ ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की हैबिट डेवलप। तो गलत हो सही हो आंसर, आपको अपना मैक्स टू मैक्स एफर्ट लगा देना क्वेश्चन में, अपना मतलब जो कॉमन सेंस है जितना आप लगा सको। ठीक है, कई सवाल आप यकीन नहीं मानोगे कॉमन सेंस की बेसिस पे हो जाते हैं, आपको भले ही ना आते। ठीक है, कॉमन सेंस आप लगाना सीखो। खुद कैसे लगाना है, आप लिंक बैठाने की कोशिश करो। जैसे एक लिंक यही बैठ जाता है कि यूथ पार्लियामेंट की बात हो रही, तो जरूर यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री करवा रही हूँ। ठीक है, करेक्ट आंसर भी देख लेते, देख लो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। तो ये क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इससे हमेशा आंसर सही होंगे, बट क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यही एक, ये भी एक प्रैक्टिस है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो इसको आप समझो। तो ये कहाँ पर होगा, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, जो पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल है ना, सेंट्रल हॉल जहाँ पे जब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट साहब अपना वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, या फिर ज्वाइंट सिटिंग जब होती है दोनों की, तो सेंट्रल हॉल में होती है, तो वहां पर ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। पर्पस क्या है, यूथ को थोड़ा सा हमें इन्वॉल्व करना है इन पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री फंक्शन में यूथ को हमें इन्वॉल्व करना है पार्लियामेंट में, इसीलिए ये इस तरह के फेस्टिवल्स कराए जा रहे हैं। ठीक है, 18 से 25 साल तक के लोग जिनको यूथ माना जाता है उनकी आवाज सुनी जाएगी। ठीक है, ताकि वो पार्लियामेंट से रिलेटेड अपने काम को ज्वाइन कर सके और देश की पॉलिटी में अपना योगदान दे। चलिए सर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज डिक्लेयर्ड दैट नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, विल बी रेगुलेटेड एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर विच एक्ट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाबफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये बैंक इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, विल बी रेगुलेटेड एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर विच एक्ट। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम बात करेंगे कि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये नाबफिड का क्या काम है, ये क्या मतलब मसला चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको एक बार करेक्ट आंसर बताना। आरबीआई ने देखो डिक्लेयर करा है, आरबीआई ने डिक्लेयर करा है किसी बैंक को ऑल इंडिया, मतलब कहने की बात है किसी बैंक को उठाया आरबीआई ने और बोल दिया आज से तुम क्या हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। मतलब ये कौन बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है। और आरबीआई क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, ये सारी पावर्स किसके पास हैं, आरबीआई एक्ट के पास होंगी। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आरबीआई अगर कुछ काम कर रहा है
आरबीआई ने इसको डिक्लेयर कर दिया, मतलब आरबीआई की ये पावर है। अब आरबीआई को पावर कहां से मिली? तो आरबीआई को ये पावर कहां से मिली? आरबीआई के रिलेटेड जरूर कोई ना कोई कानून होगा। हाँ जी सर, पहले तो ये देख लो, बैंक्स की बात हो रही, कंपनी की बात ही नहीं हो रही, तो ये कंपनीज एक्ट तो नहीं हो सकते सर। ठीक है, बैंक्स की बात हो रही है, तो बैंक्स में आरबीआई एक्ट की बात हो रही है या फिर बैंकिंग की बात हो रही है? लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने किसी को डिक्लेयर करा, तो ये पावर आरबीआई की रिफ्लेक्ट हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आरबीआई एक्ट 1934 होगा। यस और नो, कॉमन सेंस वाली बात है, आरबीआई ने अनाउंस करा यानी आरबीआई की पावर है। अब आरबीआई की पावर कहाँ लिखी होंगी भाई? आरबीआई के तो कानून में लिखी होंगी, और आरबीआई का लॉ क्या है? आरबीआई एक्ट 1934। ऐसे कॉमन सेंस लगाने होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आरबीआई किसी को डिक्लेयर कर रहा है कुछ, तो यानी ये किसकी पावर है? आरबीआई की पावर है। और भैया अगर आरबीआई की पावर है तो आरबीआई के तो कानून में लिखी होगी, और कहाँ लिखी होगी? यस और नो? ऑल राइट सर, ठीक है सर, आ रहा है सर समझ। तो आरबीआई ने जो नाफिड था, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। ये होता क्या, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता क्या है? देखो, इंडिया में कई सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे एक हाउसिंग सेक्टर है, मतलब सबको घर प्रोवाइड करना है, अच्छे रेट पे घर प्रोवाइड करना है, तो हाउसिंग एक अलग सेक्टर है इकोनॉमी में। अगर आप देखो, अलग एक पूरा मार्केट है, पूरा कई लोग इससे अपनी अर्निंग करते हैं, इसके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। एग्रीकल्चर अलग सेक्टर है, एग्रीकल्चर में भी देखो लोन देने पड़ते हैं हमें, एग्रीकल्चर में किसानों को सर्वाइव कराने के लिए, उनके फायदे के लिए सरकार क्या प्रोवाइड करती है? लोन्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह से हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सरकार चाहती है कि जनता को क्या मिले? लोन मिले, मिडिल क्लास को लोन इजीली अवेलेबल हो जाए ताकि वो घर आसानी से खरीद सके। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। एक जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, सरकार चाहती है कि अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस लगाएं, आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए भी सरकार क्या चाहती है? आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाएं। तो ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है? अलग अलग सेक्टर। सरकार चाहती है हाउसिंग में भी आपको लोन मिले, एग्रीकल्चर में भी मिले, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी मिले। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक बैंक पे अगर हम इन सबको लेकर लोड डाल देंगे, मान लो एसबीआई से कह दिया कि देखो हाउसिंग वाले को भी लोन दो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले को भी लोन दो, एग्रीकल्चर वाले को भी लोन दो, तो वो टेंशन में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई से कहा इन सबकी जिम्मेदारियां बांट दो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो लोन प्रोवाइड करे वो एक अलग ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दो, एग्रीकल्चर के लिए जो लोन प्रोवाइड करे वो अलग एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग को जो लोन प्रोवाइड करे वो एक अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दो। ध्यान रखिएगा, ये लोग डायरेक्ट जनता को लोन नहीं देते, ये क्या होता है, ये लोग बैंक्स को लोन देते हैं और बैंक आपको लोन देती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर किसी को, मान लो जैसे एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका काम क्या है कि जो हाउस के लिए लोन चाहिए होता है, घर खरीदने के लिए जो लोन चाहिए होता है, उसमें कौन हेल्प करता है? एनएचबी। एग्रीकल्चर के लिए कौन हेल्प करता है? नाबार्ड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कौन करता है? एग्जिम बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कौन करता है? सिडबी। तो ये सब क्या है, ये सब आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इन द सेम मैनर आपका जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये भी एक अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, जिसका फोकस क्या होगा कि अगर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाना है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बनता रहता है, रोड्स बनती रहती हैं, हाईवेज बनते रहते हैं, तो
उसके लिए जो फाइनेंस करना होगा, उसके लिए जो पैसा चाहिए होगा, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, उस चीज को कौन डील करेगा, तो एनबीएफआईडी डील करेगा। जस्ट लाइक अगर हाउसिंग से रिलेटेड लोन चाहिए तो ये डील करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहिए तो ये डील करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चाहिए तो ये डील करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए तो ये डील करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। तो थोड़ा सा जटिल टॉपिक था, लोग कई बार फील ही नहीं कर पाते ये चीज क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ये आरबीआई ने क्या कर दिया, तो उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने करके समझाने की कोशिश की थी। तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एजुकेशन के लिए कुछ नहीं बना ऐसा, तो डायरेक्ट बैंक जाके लो आप, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स में रखते हैं। चलिए प्लीज लेट मी नो अगर इसमें भी आपका कोई डाउट रह गया। अरुणाचल प्रदेश में करंट अफेयर्स तो इतना नहीं आता है। हाँ जीके मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जीके कवर हो जाएगा। जीके का इवन मेरा पीडीएफ भी है, वो आप नॉर्थ ईस्ट बीसी ऐप पे जाके इधर प्री स्टडी मटेरियल में चले आना ऐप में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते। अरुणाचल करंट अफेयर्स भी हम जरूर देखेंगे आगे चल के, ठीक है। थैंक यू काम की। ऑल राइट सर, आई होप यहाँ तक चीजें बेहतर है। ठीक चलिए सर, आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ स्पेशल स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प फॉर टी गार्डन वर्कर्स। टी गार्डन वर्कर्स के लिए एक स्कीम लेके आए। देखो अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक स्कीम होती है तो उसमें डिटेल नहीं जानना होता है, बस स्कीम का नाम और किस स्टेट की स्कीम है, मोर देन एनफ। अगर आपके स्टेट की है तो डिटेल में पढ़ लो, आपके स्टेट की नहीं है तो बस इतना याद रखो स्कीम का नाम और स्टेट, स्कीम का नाम स्टेट, मोर देन एनफ, ठीक है। लेकिन मतलब इतना आइडिया रखो कि हाँ मतलब है किसके लिए, जैसे चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प तो टी गार्डन वर्कर्स के लिए है ये। अब वहां पता चल रहा है आप लगा दो कि मतलब कॉफी वालों के लिए है या एग्रीकल्चर वालों के लिए है, ठीक है, तो इतना बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। मतलब चा से समझ में आ रहा है, चा मतलब चाय, टी श्रमी मतलब वर्कर, लेबर, तो जो टी वर्कर्स होते हैं, टी गार्डन में लेबर काम करती है, उनके लिए एक स्कीम लाई है, तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपके पड़ोसी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सर आपका क्या है? त्रिपुरा। तो कौन सा स्टेट लेके आया है? त्रिपुरा लेके आया है। अच्छा त्रिपुरा की कैपिटल बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? त्रिपुरा की कैपिटल और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम, गवर्नर का याद हो तो गवर्नर भी बता दो आप लोग। सर आसाम नहीं है, इट इज त्रिपुरा। अच्छा आसाम में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आसाम में मैं बता रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अच्छा आसाम की भी कैपिटल बताओ, देखते हैं, कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, अब शायद होशियार हो जाएं जो लोग गड़बड़ करते हैं। त्रिपुरा बहुत बढ़िया, त्रिपुरा की हो गया अगरतला, आसाम की बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, एक्चुअली आसाम की बिल्कुल करेक्ट आंसर इज दिसपुर। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा, जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं जब पढ़ाता था तो मैं जैसे रैंडम पूछ लिया आसाम की कैपिटल, पीछे से आंसर आ रहा सर गुवाहाटी। भैया गुवाहाटी बड़ा शहर है लेकिन कैपिटल नहीं है, कैपिटल दिसपुर है, ठीक है। तो यूपी में बड़ा शहर भले इलाहाबाद भी है बट कैपिटल क्या है? कैपिटल इज लखनऊ। चलिए सर ठीक है, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए। अपना क्या रहता है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, गियर अप होके रखते हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट हो गए, इसके आगे के फिर नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। और इवनिंग की जो क्लास होती है आपको भी पता है हम लोग करंट अफेयर्स के अलावा एक्स्ट्रा पोर्शन भी कवर करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पोर्शन मान लो जैसे कभी कोई मान लो कल मैंने साउथ अमेरिका उठा लिया, तो साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज आपको रिवाइज करा दी कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सा उसका क्वेश्चन उससे रिलेटेड, कौन सी वहां से रिवर निकल रही है, तो इस तरह से हमने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ली। या कभी मान लो कोई स्टील इंडस्ट्रीज पढ़ ली इंडिया की, तो इस तरह से अपना रिवीजन
जो ऐसी याद करने वाली चीजें हैं वो भी मैं इवनिंग क्लास में लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।